यानी कि सीएम का काफिला अब यहाँ पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रशासन मुस्तैद, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी आपको नजर आ रही है। सीएम योगी हादसे के जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका स्वास्थ्य जानने के लिए हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में। सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, और सवाल प्रशासन से भी उनकी ओर से पूछा गया था और ये साफ सीएम की ओर से कहा गया था। आगे से आ जाइए भैया साहब, सीएम की ओर से कहा गया था, देखिए तमाम जो आरएलडी के नेता हैं वो यहाँ पर सीएम से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी हाथ जोड़कर सभी का उन्होंने धन्यवाद किया। अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भूपेंद्र चौधरी उनके साथ में मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। परिजनों का हालचाल सीएम की ओर से जाना जाएगा। इसी के साथ 12:30 बजे पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब देखना यह होगा कि आखिरकार वो क्या बताते हैं, क्या डिटेल्स देते हैं कि इस पूरे मामले में किसके खिलाफ में क्या कार्रवाई यहां पर अभी तक हुई है, प्रशासन की ओर से कहां पर लापरवाही थी। ये तमाम जानकारियां आप समझ लीजिए कि 12:30 बजे जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। जो सवाल हम सभी के जहन में है, जो सवाल लोगों के जहन में है, जो सवाल प्रशासन के जहन में है, वो सीधे तौर पर यहाँ पर उसका जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। इंतजार रहेगा 12:30 बजे का। लेकिन अभी आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर हॉस्पिटल के जा चुके हैं और वहाँ पर जो परिजन हैं या फिर जो बुरी तरीके से घायल लोग हैं उनसे यहाँ मुलाकात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आएंगे। तो तस्वीरें आपको अस्पताल के भीतर की हम लगातार दिखा रहे हैं कि जिला अस्पताल में सीएम योगी पहुंच चुके हैं और घायलों का हाल वो जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अस्पताल के भीतर की, आप देख सकते हैं उनके साथ में संजय प्रसाद भी मौजूद हैं, साथ ही भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं और मुस्तैदी के साथ में कल से ही एक्शन लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। जिस तरीके से रिपोर्ट उनकी ओर से, जिनकी रिपोर्ट उनकी ओर से लगातार यहां पर मांगी जा रही थी, पूछा जा रहा था, प्रशासन से भी पल पल की नजर बनी हुई थी। डीएम, एसपी, इसी के साथ आईजी, डीआईजी, सभी जितने भी रैंक के अधिकारी हैं खास तौर पर, वो सभी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और उनसे जाहिर है कि रिपोर्ट तलब की गई है मुख्यमंत्री की ओर से। प्रथम दृष्टया प्रशासन की भी जाहिर है, पहले कोशिश ये थी कि लापरवाही कहां हुई, उससे पहले जो घायल हैं उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती किया जाए ताकि उनको इलाज मुहैया करवाया जा सके। जिन लोगों की जान गई है वो आपने देखा है कि किस तरीके से संख्या बढ़ती चली गई है, 120 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच गया है जो बेहद दर्दनाक है। तो आप देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे अस्पताल के भीतर, उनकी तस्वीरें इस वक्त आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी यहां देख पा रहे हैं। डॉक्टर से भी सीएम यहां पर जाहिर तौर पर बातचीत करेंगे, लेकिन जो घायल ये परिजन है खासतौर पर जो बाहर मौजूद हैं उनसे सीएम बात करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति उनके परिजनों की है। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन से रिपोर्ट तलब सीएम की ओर से लगातार किया भी गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें मौजूदा हम आपको दिखा रहे हैं, ये अस्पताल के हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भीतर की तस्वीर आप साफ देख सकते हैं कि सीएम परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, फिर घायलों से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ 12:30 बजे पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो जानकारियां हैं इस पूरे मामले की, तफ्तीश कहाँ पहुंची, बाबा कितना जिम्मेदार, प्रशासन कितना जिम्मेदार, किसकी खामियां थी, क्यों परमिशन मिली, ये वो सवाल है जो लगातार हर कोई इस समय पूछ रहा है। 120 लोगों की जो जान गई है उनके परिजन यहां पर पूछ रहे हैं, वो बाबा जो अपने पैरों की धूल से लोगों का कल्याण कर रहा था वो कहां पर है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि मुस्तैदी रात से दिखा रहे हैं, जब से ये पूरा हादसा, इसकी खबर सामने आई है, लगातार अपडेट्स उनकी ओर से ली जा रही है। और खास तौर पर आपने कल का भी बयान सीएम योगी आदित्यनाथ का सुना था कि उन्होंने साफ ये कहा था कि अगर ये साजिश है या फिर यह हादसा है, दोनों ही एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश होगी कि अगर साजिश है, भगदड़ करवाई गई, भगदड़ किस वजह से हुई, क्यों हुई और कौन कौन वहां पर मौजूद था, यह सब जानने की कोशिश की जाएगी कि अगर साजिशन ये पूरा हादसा करवाया गया है या फिर ये हादसा हुआ, गड्ढा था, पानी भरा था, जिस तरीके की थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें आप ये कह सकते हैं, लेकिन जब आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा कि हादसा क्यों हुआ उसका भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चश्मदीद हैं जो कह रहे हैं पानी था, गड्ढा था, पैर फंस गया, कीचड़ था, बुरी तरीके से बारिश हुई थी, खेत कच्चा था पूरा, खेत के भीतर सबसे बड़ी बात की इतने
इतना बड़ा आयोजन करवाने की परमिशन यहाँ पर कैसे दी गई, वो भी खेत के भीतर। तो तस्वीर इस वक्त फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की, जहाँ सीएम योगी तमाम जो परिजन हैं सबसे पहले उनसे मुलाकात कर रहे हैं, फिर घायलों से सीधे तौर पर वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद पुलिस लाइन जाके माना जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग भी देंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मौके पर भी जहाँ पर यह हादसा हुआ है, जहाँ पर DIG पे पहुंचे हुए थे, FSL की टीम पहुंची हुई थी, वहाँ पर सीएम योगी वहाँ पर भी जाएंगे और स्थिति को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, परिजनों से पहले उन्होंने बातचीत कर ली है और उसके बाद अब घायलों से वो बातचीत करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये हादसा बेहद दर्दनाक है, हादसा बड़े सवाल छोड़ जाता है। जब भी कभी ऐसे हादसे होते हैं तो बड़े सवाल यहाँ सीधे तौर पर खड़े होते हैं। प्रियंका भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़ी हुई है। प्रियंका, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं कि कैसे सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं और इसके बाद में ताबड़तोड़ एक्शन की उम्मीद की जा रही है जो यूपी के हाथरस में देखी जाएगी। प्रियंका, इसके अलावा